डीएनए टेस्ट की मांग होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। और डीएनए टेस्ट में बच्चा हमारा है निकलेगा, लेकिन सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए कि बच्चा कैसे वहां तक पहुंचा, किसने दिया, ये सब सारी जानकारी फिर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जिससे पता लग जाए कि बच्चा किस हालत में गया था और कौन कौन इसके पीछे हैं। ये पुलिस को लोग सूचना दिए थे जब बच्चा मिला था? जी नहीं, यही बात हमने भी उठाई है कि अगर इन्हें बच्चा मिला तो थाने में क्यों नहीं इन्होंने सूचना दी। तो थाने में इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चा इन्हें कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जौनपुर जनपद के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के लौह पंडित का पूरा गांव से 6 सितंबर की रात 11 माह का सत्यम पांडे चोरी हुआ था। पुलिस नहीं खोज पाई, लेकिन परिवार के लोगों ने बच्चे को प्रतापगढ़ में खोज निकाला। लेकिन परिवार के लोगों के दावे के बाद भी मुगरा बादशाहपुर की पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस सत्यम पांडे को उनके माता पिता को नहीं दिला पाई। उनकी माता, सत्यम पांडे की माता रंजू हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। इस दौरान हमें सूचना मिली है कि पुलिस से मदद नहीं मिलने पर परिवार के लोग कोर्ट गए हैं। अब ये अपना बच्चा कोर्ट के थ्रू पाएंगे। इन्होंने कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। रंजू जी, आपका बच्चा 6 सितंबर की रात गायब हुआ था, चोरी हुआ था, ये कह दें, तो बच्चा जब प्रतापगढ़ में आप लोगों को मिला तो कितनी बार प्रयास किया वहां जाकर आप लोगों ने? देखिए, हम वहां पे तीन बार गए। हाँ। और वो भी हम जा रहे थे तो वहां पे उन लोगों को आपत्ति थी कि हम कितने बार वहां पे जा रहे हैं बच्चे के लिए, तो उन्हें कोई परेशान ना करे। हाँ। तो एक बार तो हम वैसे ही गए, दो बार हम फैमिली के साथ गए, पुलिस के साथ गए। उसके बाद फिर उन्होंने आपत्ति जताई कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने फिर वहां जाना छोड़ दिया। और फिर पुलिस की मदद ली तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब ये सब आपको जो करना है ऊपर से कीजिए। तो अब पुलिस तो हमारी कोई किसी ढंग से मदद, पुलिस ने साफ मना कर दिया जी, क्योंकि पहली बार हम गए थे तो वहाँ पे महेशगंज थाना की पुलिस ने एसआई से कहा कि आप देखिए और डीएनए प्रोसीजर जो भी होता है आप लोग कीजिए। तो सेकंड टाइम जब एसओ हमारे साथ गए तो वहाँ पे जो भी बात हुई हम तो नहीं जानते, लेकिन मेरे ससुर जी वहाँ पे गए थे तो उनसे कहा गया कि देखिए अब आप ऊपर से कीजिए कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अब हम सीधा कोर्ट गए, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दे दिया है। अब देखिए जो भी होता है, क्योंकि बिना डीएनए टेस्ट कराए हम भी बच्चा नहीं लेंगे। तो प्रार्थना पत्र में क्या कहा गया है वहाँ? अब प्रार्थना पत्र में यही कहा गया है कि डीएनए टेस्ट की मांग होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। और डीएनए टेस्ट में बच्चा हमारा है निकलेगा, लेकिन सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए कि बच्चा कैसे वहां तक पहुंचा, किसने दिया, ये सब सारी जानकारी फिर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जिससे पता लग जाए कि बच्चा किस हालत में गया था और कौन कौन इसके पीछे हैं। नहीं, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सर, सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बच्चे को गायब हुए 7 महीने हो गए, जिसमें से ये दो पुलिस ट्रांसफर हो गए, ये तीसरे आए हुए हैं जो कि विवेक तिवारी जी हैं। तो सब जानते हैं कि मतलब पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। हम एसपी ऑफिस वहां गए, जौनपुर गए और लखनऊ गए, सीएम योगी जी के आवास पे गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए, तो वहाँ पे भी हमने यही सीबीआई जांच की ही मांग की, क्योंकि हम थाने में जाते हैं वहाँ पे कहा जाता है बच्चे की जांच चल रही है, बच्चा नहीं मिलता है, इसलिए हम अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आपको अब भरोसा है कि कोर्ट से कुछ ना कुछ आपको निर्णय मिल जाएगा? सर, कोर्ट से भरोसा है, देखिए सर, अब जब प्रशासन पे भरोसा नहीं रह जाता तो अंतिम चरण होता है कोर्ट। तो अब कोर्ट पे है, जो कि न्यायालय जिसे कहते हैं, न्याय जहाँ पे मिलता है, तो बस विश्वास है न्याय मिलेगा। अच्छा, जब कोर्ट आदेश करेगा तब तो आपका डीएनए टेस्ट होगा, तो आप लोग डीएनए टेस्ट के लिए एकदम तैयार रहेंगे? सर, डीएनए टेस्ट के लिए हम तो स्टार्टिंग से ही तैयार थे, क्योंकि अगर जो कुछ भी, अगर हमारे अंदर कुछ भी है तो हम अपना संदेह दूर कर देना चाहते हैं कि डीएनए हो जाए तो हम अपने हिसाब से अपना बच्चा ले लेंगे। क्योंकि अगर हम डीएनए नहीं कराएंगे तो उनके मन में भी ये होगा कि उनका बच्चा था कि नहीं था, और हम डीएनए इसलिए कराएंगे उनके संतुष्टि के लिए कराएंगे, दूसरा ये चीज़, और फर्स्ट तो हम यही, अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो अपना बच्चा ले लेते, क्योंकि बच्चा हमारा ही है। अच्छा रंजू जी, जब पहली बार आप बच्चे को देखने गई तो ये कैसे लगा कि ये बच्चा आपका सत्यम ही है?
सर उसका पूरा का पूरा फेस जो है वो बच्चे से मेरे मैच कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं गई थी, लेकिन दो बार फिर मैं वहां पे जरूर गई थी। तो बच्चे के रोने की आवाज जिस ढंग से था, और काफी वीडियो भी है बच्चे की जिस ढंग से वो बोलता है, और उसके सारे दांत भी निकल आए हैं जिस ढंग से उसकी माँ कह रही है कि 1 साल का बच्चा है 14 महीने का। तो 14 महीने के बच्चे को ये यहाँ यहाँ के वो मोटे दांत नहीं निकलते हैं, सिर्फ आगे के ही 3-4 दांत निकलेंगे साल भर के बच्चे को। लेकिन एक वीडियो में आप देखेंगे अखंड दर्पण में डाला गया है कि उसमें जो है बच्चे के सारे दांत निकल गए हैं। अच्छा, यानी बच्चा आपके अनुसार 1.5 साल से ऊपर हो गया होगा? जी, 1.5 साल से 17 महीने का बच्चा हो गया है। अच्छा, अब वो लोग अपने बच्चे को कितना दिन बता रहे हैं? 14 महीने, तो 3 महीने वो कम बता रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, वो लोग पहले क्या क्या कहानी बताए, थ्योरी थोड़ा सा कि कहाँ मिला फिर पहले? देखिए, उन्होंने काफी कहानी बताई, लेकिन अब ये जो वहाँ के प्रधान थे उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे को हमने नदी में पाया, तालाब में पाया, किसी नर्स ने दिया, सुजानगंज ताल से खरीदा, या फिर जो कुछ भी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। लेकिन अब ये लोग जो बोल रही है, विष्णु की माँ जो बनी है, वो बोल रही है कि हमने बच्चे को मिला है, अब वो क्यों बताए कहाँ मिला है। आप ही लोग के एक वीडियो में इसमें दिया गया है कि हम क्यों बताए बच्चा हमें मिला है। और फिर प्रधान जो है उनके साइड में लेके बोल रहा है कि बच्चे को नर्स ने दिया था, नर्स का जो बेटा था वो नहरे में मिला था, फिर उसने मोबाइल पे फोटो डाला कि जिसे बच्चा चाहिए वो लेगा, तो इन्होंने बच्चा ले लिया। तो जिस ढंग से ये बात बता रहे हैं कि बच्चा इन्हें 1 दिन का मिला, तो बच्चा मिला होगा, फोटो डाले होंगे, 3-4 दिन जो है लगा होगा इन्हें बच्चे तक पहुंचने के लिए। हो सकता है बच्चा 6-7 दिन का इन्हें मिला होगा। किस ढंग से बोल रहे हैं कि बच्चा इन्हें 1 दिन का मिला? ये पुलिस को लोग सूचना दिए थे जब बच्चा मिला था? जी नहीं, यही बात हमने भी उठाई है कि अगर इन्हें बच्चा मिला तो थाने में क्यों नहीं इन्होंने सूचना दी। तो थाने में इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चा इन्हें कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला। रंजू, एक बात ये नहीं समझ, जब 6 सितंबर की रात चोरी हुआ था सत्यम, उसके बाद सोशल मीडिया पे काफी खबरें फैली थी, करोड़ों लोगों ने देखा था, क्या यह वीडियो उनके अगल बगल के लोगों तक नहीं पहुंचा था? सर सब पहुंचा होगा, पहुंचा होगा, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा स्टार्टिंग में, कोई बच्चा पैदा भी होता है तो कोई बाहर नहीं निकालता है जब तक 2-3 महीने का ना हो जाए। उसी ढंग से जो बच्चा चोरी करके उन्होंने अपने घर में रखा था, तो बताया गया होगा कि 1 दिन का बच्चा है, लेकिन बच्चा तो हुआ होगा 11-12 महीने का, क्योंकि हमने आस पड़ोस में बातचीत की तो उन्होंने बताया रात के तकरीबन 2 बजे बच्चा आया इनके घर और काफी जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो इस ढंग से 1 दिन का बच्चा तो इतना जोर से रोएगा नहीं, बच्चा तकरीबन 2 दिन तक, 1 दिन तो हल्का रोएगा लेकिन दूसरे दिन वो जोर से रोएगा। तो उसी दिन रात को 2 बजे बच्चा आया और जोर जोर से रोने लगा। अच्छा, कुछ वीडियो में हम ये देख रहे हैं, पत्रकार जा रहे हैं तो अगल बगल के लोग खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं, इन्हीं क्या बच्चा है, इन्हीं क्या बच्चा है, ये हुआ वो हुआ, ये क्या लगता है आपको, ये जानबूझ के लोगों को आगे कर दिया जा रहा है? सर देखिए, कहते हैं ना कि हमें इसी समाज में रहना है तो सबके साथ मिलके ही चलना होगा। अब अगर आप लोग हमारे गांव में, हमने ही किसी का बच्चा चुरा के लेके आएंगे, तो हमारे गांव वाले हमारा पक्ष लेंगे, साथ देंगे कि नहीं नहीं बच्चा इन्हीं का है। उसी ढंग से उस मार्केट में वो रहते हैं, इतना उनका जान पहचान है, उन्हें बच्चे की जरूरत है, सब लोग यही सोच रहे हैं बच्चा मिला है तो अपना पालेंगे, क्यों हम ऐसे करें, इसीलिए सब उनका साथ दे रहे हैं। और जिस दिन अगर बच्चा मेरा निकल जाएगा ना, उस दिन देखिए जो मार्केट के लोग भी बोल रहे हैं ना कि हम मुकदमा करेंगे, हम ये करेंगे, उस दिन उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। यानी उल्टा आपको ही धमकाया जाता है कि जी जी कि हमको हमारे बच्चों को ले रहे हैं, मुकदमा करेंगे? जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुकदमा किस आधार पे करेंगे, यानी आपको डरा रहे हैं कहीं न कहीं? जी, मुकदमा किस आधार पे करेंगे, बच्चा तो उन्हें भी मिला ही है, पैदा तो किया नहीं है कि उनका पैदा किया वो बच्चा हम अपना बता रहे हैं हमारा है, बच्चा आपको मिला है, कहाँ से मिला है ये डिटेल दीजिए। दूसरी बात ये, आप ही के जो है पत्रकार को उन्होंने दिखाया गया है कि वो दिखा रहे हैं कृति स्कैनिंग का, ये सब दिखा रहे हैं रिपोर्ट्स वगैरह, वो सब बच्चे को क्या बीमारी थी, एक ही दिन के बच्चे को ऐसी क्या बीमारी हो गई कि उन्होंने कृति स्कैनिंग से पूरा उनका ये सब निकाला, सीटी स्कैनिंग, क्या जरूरत है ये सब करने की? रंजू, जब ये बच्चा डीएनए टेस्ट में आपका मिल जाएगा तब तो ये तो बहुत बड़ा रैकेट का भी खुलासा हो जाएगा, बहुत लोग फंसेंगे, ये तो चोरी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बहुत फंसेंगे, लेकिन फंसने का ये है कारण कि अगर पुलिस सच्चाई का साथ देगी तो बहुत लोग आगे फंसेंगे। और अगर इसी ढंग से, जिस ढंग से शांत बैठी थी, और अगर अभी भी बच्चा मिल जाएगा, सोचेंगे कि बच्चा मिल गया, अब क्या जरूरत है इतना आगे जाने की, तो वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन ये खुलासा होना चाहिए कि बच्चा कौन चोरी किया, हमारे गाँव का है या बेगाने गाँव का है, किसने किया है। अच्छा, इससे एक चोरी की घटनाओं में रोक भी लगेगी यदि रैकेट कुछ खुलासा होगा तो?
चोरी की घटनाओं में रोक उसी दिन से लग गई थी सर, आपको भी याद होगा कि जिस दिन हमारा बच्चा चोरी हुआ था इतना बड़ा ये तूफान मच गया था कि जिसका बच्चा चोरी नहीं भी हुआ था, कहीं एक दिन का तीन दिन का पड़ा था वो भी बच्चा मिल गया, और उसी दिन से बच्चा चोरी घटना बंद हो चुकी थी कि छोटे छोटे बच्चे की चोरी, ये सब आज की घड़ी कहीं कहीं एक आध दो जगह सुनाई देता है, नहीं तो उस वक्त कितना सुनाई दे रहा था कि वो बच्चा चोरी हो गया, वहां चोरी हो गया, लेकिन जिस वक्त हमारा बच्चा चोरी हुआ इतना पुलिस दरोगा इतना ये हो गया कि तब से बंद हो गई ये घटना, बच्चा चोरी कहीं सुनाई ही नहीं दिया। दोस्तों जैसा कि हमारे और वीडियो में आप पिछले जाएंगे और कई चैनलों पे ये सत्यम की कहानी, चोरी की कहानी कई वीडियो में चल रही है, करोड़ों लोग देख चुके हैं, तो ये नई खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सत्यम का परिवार सत्यम को पाने के लिए अब हाई कोर्ट गया है और इन्होंने कोर्ट में जाकर डीएनए टेस्ट की मांग की है और सीबीआई जांच की भी मांग की है। इनका ये भी साफ साफ दावा है कि इन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। इनका कहना है कि डीएनए टेस्ट में हमारा बच्चा निकलेगा तो हमारे बच्चे के चोरों का पता चलेगा और एक गिरोह का पर्दाफाश होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।